दोस्तों नमस्कार। LWF क्लासेस, इजी वे ऑफ लर्निंग। बिरजू महाराज प्रसिद्ध नर्तक अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। इस वीडियो में हम बिरजू महाराज के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकाश में ला रहे हैं। नर्तक बिरजू महाराज जन्म हुआ 4 फरवरी 1938 को उत्तर प्रदेश में और हाल ही में मृत्यु हुई 17 जनवरी 2022 को। भारत और दुनिया में प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज का 17 जनवरी 2022 को 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका पूरा नाम था ब्रज मोहन नाथ मिश्रा। लखनऊ घराना के कथक नर्तक नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई कथक परंपरा की विरासत से जुड़े थे बिरजू महाराज। 4 फरवरी 1938 को जन्मे बिरजू महाराज शास्त्रीय नृत्य शैली कथक की कालिका बिंदादीन घराने अर्थात लखनऊ घराने की परंपरा से संबद्ध थे। इसी परंपरा में उनके चाचा शंभू महाराज एवं लच्छू महाराज तथा उनके पिता गुरु अच्छन महाराज भी संबद्ध थे। उनके दादा कालिका प्रसाद मशहूर कथक नर्तक थे। सत्यजीत रे ने 1977 में शतरंज की खिलाड़ी फिल्म बनाई थी। उसमें नवाब वाजिद अली शाह से संबंधित कहानियां जुड़ी हुई थी। इसमें बिरजू महाराज ने कोरियोग्राफी की थी। बिरजू महाराज न केवल भारत के एक निपुण नर्तक थे बल्कि वह कथक के बेहद सम्मानित गुरु भी माने जाते हैं। वह भारत के कई बड़े नृत्य संस्थानों में बच्चों को कथक सिखाते थे और 90 के दशक में उन्होंने दिल्ली में अपना एक नृत्य स्कूल खोला था जिसका नाम था कला आश्रम। उन्हें तबला और नाल बजाने का बहुत शौक था। LWF क्लासेस, इजी वे ऑफ लर्निंग। अगर आप अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही नीचे जाकर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। हम विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जीके की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कई तरह के वाद्य यंत्रों में उनकी निपुणता थी। इसके अलावा वह खुद भी एक अच्छे गायक थे। ठुमरी, दादरा और भजन गाया करते थे। शतरंज के खिलाड़ी में फिल्माया गया गीत कान्हा मैं तो से हारी भी बिरजू महाराज ने गाया था। इस भैरवी को लिखा था उनके दादा कालिका प्रसाद के भाई बिंदादीन महाराज ने। बिंदादीन महाराज ने ही बिरजू महाराज के पिता अच्छन महाराज को तालीम दी थी। बिरजू महाराज के पूर्वज खुद भी कभी नवाब वाजिद अली शाह के दरबार का हिस्सा हुआ करते थे। बिरजू महाराज को कौन कौन से अवार्ड मिले, आइए हम आगे जानते हैं। फिल्म बाजीराव मस्तानी के गाने मुहे रंग दो लाल के लिए बिरजू महाराज को बेस्ट कोरियोग्राफी का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। बिरजू महाराज ने 28 वर्ष की उम्र में नृत्य शैली में महारत हासिल की और प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जीता। उनके द्वारा प्राप्त किए गए प्रमुख सम्मान 1964 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, 1986 में पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया उन्हें, जो कि भारत का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 1987 में कालिदास सम्मान से सम्मानित किए गए। 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2012 में नेशनल अवार्ड उन्हें दिया गया। 2016 में फिल्म फेयर अवार्ड भी उन्हें प्रदान किया गया। इस तरह बिरजू महाराज ने भारत का नाम विश्व में रोशन किया। कथक शैली की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई, आइए इस बारे में जानते हैं। माना जाता है कि कथक शैली की शुरुआत मंदिरों के भीतर हुई। वहां महाभारत और रामायण जैसी प्राचीन भारतीय ग्रंथों से जुड़ी कथाओं को काव्यात्मक तरीके से पेश किया जाता था। आगे चलकर यह मंदिरों से बाहर निकली और राज दरबारों का प्रश्रय पाने लगी। लखनऊ घराना क्या है, आइए जानते हैं। कथक को आगे बढ़ाने में लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह का योगदान काफी महत्वपूर्ण है। वाजिद अली शाह लखनऊ के नवाब थे वह खुद भी एक कलाकार थी, कविताएं लिखती थी, नृत्य भी करती थी। उनकी संरक्षण में कथक का लखनऊ घराना विकसित हुआ। लखनऊ परंपरा की नर्तक, जिसमें खुद बिरजू महाराज भी शामिल थे, खुद को नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई इसी कथक परंपरा की विरासत से जोड़ते थे। दादा के भाई बिंदादीन भी कथक नर्तक थे। कालिका और बिंदादीन के नाम पर ही लखनऊ घराना शुरू हुआ था। पिता जगन्नाथ महाराज अच्छन महाराज के नाम से लोकप्रिय थे तथा दरबार में कथक नर्तक थे। बिरजू महाराज को अपने पिता और चाचाओं से नृत्य की तालीम मिली थी। नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से संबद्ध कथक में नर्तक अपनी भावभंगिमा को कथानक प्रस्तुत करने का जरिया बनाता है। उसके शरीर के अलग अलग हिस्से जैसे कि हाथ, उंगलियां, चेहरा, भवें, पाँव की थिरकन, कमर की लचक, कलाइयों की गति, ये सभी एक लयबद्ध तरीके से भाव की अभिव्यक्ति का माध्यम बनते हैं। बिरजू महाराज न केवल भारत के बल्कि संपूर्ण विश्व के एक महान कलाकार थे, जिन्होंने कथक को संपूर्ण विश्व तक फैलाया। कथक की बारीकियों को बिरजू महाराज के अलावा अब बहुत कम कलाकार हैं जो इतना अंदर से जानते हैं। LWF क्लासेस की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। दोस्तों, हमारा प्रयास सामान्य अध्ययन से संबंधित सरलतम वीडियो बनाना और अपलोड करना है। इसमें हम कहां तक सफल हो रहे हैं, आप हमारे अन्य वीडियो जरूर देखें और बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।